धनिया, साबुत धनिया देखें, बेसन तकरीबन 4 खाने के चम्मच, नमक हसबे जायका, ऑयल रिक्वायर्ड होगा खाने का तेल, वाटर रिक्वायर्ड होगा पानी, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पिसी हुई, टमाटो प्यूरी। टमाटर को आप ले लीजिए, उसको आप ग्राइंड कर लें और उसको हल्का से तेल में पका लें अबाउट 5 मिनट्स, टमाटो प्यूरी इज रेडी। फिर उसके साथ साथ आपको चाहिए होगा अनारदाना, मैदा तकरीबन हमारे पास रिक्वायर्ड है 1.5 कप। पहले हम एक बॉल ले लेंगे, बॉल में हम डाल देंगे अपना बेसन, हम डालेंगे सबसे पहले रेड चिली पाउडर, इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे नमक हसबे जायका, इस बैटर को हम हीट कर लेंगे। ये मैंने दो बना के जो है ये रखी हुई है आप लोगों, जो मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाई है, जैसे आप आटा गूंथते हैं वैसे ही। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था, हमने इसमें ज़रूरत नमक डाल लिया है और पानी डाल लिया है, जो कुछ बोल रहे सब चीज़ बनाना है। तो बनाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप उस को बना के रखते हैं। मैं तेल चढ़ा दूंगी, जब हमारा तेल गर्म होगा हम फिर अपनी डो को दे देंगे। हमें बेसिकली इसको डीप फ्राई करना है। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ ही साथ हम अपनी डो को दे लेंगे। खुश्की में हम आटा यूज़ नहीं करेंगे, अपने मैदे को इस्तेमाल करेंगे। आपको असेंबल कैसे करना है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। असेंबल करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो बेसन का बैटर बना के रखा हुआ था तकरीबन, इसको भी हमें आधे घंटे तक रखना है। आपने इसको इसमें फिर बता दूँ, मैंने जो बेसन लिया है, नमक और लाल मिर्च पाउडर और सब्जी का पेस्ट मैंने इसको बना लिया है। फिर उसके बाद इसमें जाएगी हमारी टमाटो प्यूरी, पर आप धनिया सिर्फ में साबुत धनिया, अनारदाने को आप इसके ऊपर सिर्फ में, आपका पिज़्ज़ा बनाने तैयार है।